वीडियो मामले में सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमित शाह फेक वीडियो मामले में अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी हुई। अरुण रेड्डी कांग्रेस सोशल मीडिया विंग के कोऑर्डिनेटर हैं। पुलिस ने कहा कि रेड्डी ने मोबाइल फोन से सबूत भी मिटा दिए। रेड्डी के फोन को जांच के लिए भेजा गया है, पुलिस का यह कहना है। गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता अरुण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। अरुण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC के सोशल मीडिया सेल का नेशनल कोऑर्डिनेटर है और इसकी चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी का रोल वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का बताया जा रहा है और जानकारी मिली है कि रेड्डी ने मोबाइल से सबूत नष्ट करने की भी कोशिश की है। पुलिस ने जब उसका फोन जब्त किया फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अरुण रेड्डी की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और शनिवार को उसे यानी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कोर्ट में ही अमित शाह की एडिटेड वीडियो मामले में अरुण रेड्डी के रोल को लेकर खुलासा भी करेगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस अरुण रेड्डी की कस्टडी की भी मांग करेगी क्योंकि पूछताछ अरुण रेड्डी से की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। आखिर इस साजिश के पीछे क्या मंशा थी? आपको बता दें कि इससे पहले हैदराबाद पुलिस ने शुक्रवार को तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के 5 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सभी को 10,000 के जुर्माने के साथ एक स्थानीय कोर्ट ने जमानत दे दी। इसके साथ ही अगले आदेश तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश भी दिया था। बता दें कि स्प्रिट ऑफ कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर 1,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण को लेकर एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें भ्रम फैलाया जा रहा था कि अमित शाह ने SC ST और OBC आरक्षण हटाने की बात कही है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि विपक्ष की हताशा और निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ BJP नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। वहीं ईरान ने इजरायली मालवाहक जहाज